हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दोस्तों, आज आज की की वीडियो में वीडियो हम BA थर्ड ईयर की एक पोयम के बारे में बात करेंगे जिसे विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम अनक्लेम्ड है। इस वीडियो में हम उस पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और पूरी पोयम का एक बार समरी भी जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम एक बार पोयम को स्टोरी की तरह जान लेते हैं, उसके बाद हम उसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो हमें उसे समझने में आसानी होगी। अनक्लेम्ड का मतलब होता है लावारिस, यानी जिस पे कोई अधिकार न दिखाता हो, जिसका कोई ओनर न हो। अब हम चलते हैं इसकी कहानी पर। इस पोयम के माध्यम से पोएट ने अपनी फीलिंग्स को रखना चाहा है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरीके से लव मैरिज अच्छी होती है अरेंज मैरिज की अपेक्षा। इसमें पोएट ने अरेंज मैरिज और लव मैरिज को कंपेयर करके उसके एडवांटेज के बारे में बताया है। इस पूरे पोएम में एक वर्ड है स्ट्रेंजर, जो काफ़ी बार यूज किया गया है, और इस स्ट्रेंजर वर्ड का मतलब है लवर, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका। अब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के लिए तो स्ट्रेंजर है नहीं, लेकिन ये कविता एक सोसाइटी और पेरेंट के प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई है और इसमें पोएट ने सोसाइटी को ध्यान रख के ये कविता लिखी है। इस वजह से उन्होंने लवर्स की जगह स्ट्रेंजर वर्ड को यूज किया है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने पोएम की समरी पर। मान लीजिए आप हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं तो वो लड़की आपकी फैमिली के लिए स्ट्रेंजर हो गई और आप उस लड़की वाले के फैमिली के लिए स्ट्रेंजर हो गए। इसमें पोएट ने बताया है कि दो स्ट्रेंजर के बीच की रिलेशनशिप सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए स्ट्रेंजर होते हैं पर अपने लिए नहीं। वो अपने लिए वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से शो कर पाते हैं और अपने दिल की बात को कहने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और वहीं जो सोशल कस्टम के थ्रू, यानी कि अरेंज मैरिज के थ्रू शादी होती है जिनकी, वो आसानी से अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, वो आसानी से मिंगल नहीं हो पाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक दूसरे के सामने शो नहीं कर पाते हैं। और वहीं दो स्ट्रेंजर्स के बीच में बहुत ज़्यादा एकता होती है, वो अपने प्यार को बिना किसी हिचकिचाहट के शो कर पाते हैं और अपने फिजिकल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स का भरपूर आनंद ले पाते हैं। और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। वहीं जो लोग ट्रेडिशनली मैरिड कपल होते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने में काफ़ी समय लग जाता है और उनके बीच में प्यार का कोई सेंस नहीं होता है। उन्होंने अपनी लाइन में कहा है, देयर इज़ अ नो सेंस ऑफ लव बिटवीन देम, दे हैव नो ओवरवेलमिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर ईच अदर, इवन इन देयर सेक्सुअल इंटरकोर्स दे कैन डिराइव नो प्लेजर। यानी कि वे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को दिखा नहीं पाते हैं और अपने गोल्डन नाइट में अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी मज़ा नहीं ले पाते हैं, प्लेजर नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर डर या हिचकिचाहट होती है। और वहीं स्ट्रेंजर्स एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करते हैं और वो एक दूसरे की बाहों में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार करने में, एक दूसरे को टच करने में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं होती है। यहीं पर इनकी पोयम ख़त्म होती है। इस कहानी के बेस पे आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते रहे होंगे। आज तो आपके पास फ़ोन है, तो आप जिससे शादी करने वाले होते हैं
आप उससे बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं आप उससे कुछ न कुछ मात्रा में परिचित हो जाते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो आप उनकी कंडीशन को सोचकर उसके बारे में आप फील कर सकते हैं। अब आप इस पोयम के बेस पे ये इमेजिन कर सकते हैं कि पहले की लोगों की जब फर्स्ट नाइट यानी कि गोल्डन नाइट हुआ करती होगी तो वो कैसे फील किया करते होंगे, उनको कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा। अब आप सोच सकते हैं कि पीछे बताई गई कहानी का क्या मतलब है, तो आप इसे अपने कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में यूज करके आप इस पूरी पोयम को बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पोयम पर, अब इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन, टू मेक लव विथ अ स्ट्रेंजर इज़ द बेस्ट, यानी टू मेक यानी कि बनाना, लव यानी कि प्यार, विथ मतलब साथ, ए मतलब एक, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, इज मतलब है द बेस्ट सबसे अच्छा, यानी कि किसी अजनबी के साथ प्यार करना सबसे अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रेंजर से आपको मतलब पता ही है कि स्ट्रेंजर मतलब लवर्स। अब आगे चलते हैं, देयर इज नो रिडल एंड देयर इज नो टेस्ट, यानी ऐसा करने में नो रिडल ना कोई पहेली है, नो टेस्ट ना कोई परीक्षण है, यानी कि किसी अजनबी के साथ प्यार करने में ना कोई पहेली है और ना कोई परीक्षण है। टू लाई एंड लव नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस, लाई मतलब झूठ, लव मतलब प्यार, नॉट मतलब नहीं, एक्टिंग मतलब दुख या परेशानी, मेक मतलब बनाना, सेंस मतलब जज्बात या भावना। तो टू लाई एंड लव, हम पोयम के हिसाब से लाई की वर्ड मीनिंग या किसी और भी चीज़ की वर्ड मीनिंग को निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लाई का मतलब लेंगे लेटना। तो टू लाई एंड लव यानी कि लेटना और प्यार करना शुरू कर देते हैं। नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस, नॉट एक्टिंग ऐसा करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, टू मेक सेंस अपनी फीलिंग्स को बताने में, अपने जज्बात को बताने में, अपने इमोशंस को शो करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अगली लाइन, ऑफ दिस नाइट इन द मेस ऑफ रेफरेंस, ऑफ दिस नाइट यानी कि गोल्डन नाइट, मेस मतलब जाल या फंदा, रेफरेंस मतलब संदर्भ, तो ऑफ दिस नाइट यानी कि गोल्डन नाइट या फर्स्ट नाइट में संदर्भ की बात न करते हुए वो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट नाइट में गोल्डन नाइट में इधर उधर की बात न करते हुए वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। टू टच अनक्लेम्ड बाई फियर ऑफ इमिनेंट डे, यानी कि टू टच या कि टच करने में, अनक्लेम्ड यानी कि लावारिस, फियर यानी कि डर, इमिनेंट डे यानी कि आगे का दिन या करीब का दिन। टू टच यानी कि टच करने में, प्यार करने में उन्हें अपने आने वाले दिनों में कोई डर नहीं होता है। आगे, एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, एंड मतलब और, अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, ओनली मतलब सिर्फ, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, में मतलब सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और इसे सिर्फ वही स्ट्रेंजर्स महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा ट्रेडिशनली मैरिड कपल या अरेंज मैरिड कपल कभी नहीं समझ सकते हैं। तो अब हम इसे एक बार तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। टू मेक लव विथ अ स्ट्रेंजर इज़ द बेस्ट, यानी कि किसी अजनबी के साथ प्यार करना सबसे अच्छा है। देयर इज़ अ नो रिडल, देयर इज़ नो टेस्ट, यानी कि ऐसा करने पर न कोई पहेली है, न कोई परीक्षण है, यानी कि किसी अजनबी के साथ प्यार करने पर न कोई पहेली है, न कोई परीक्षण है। टू लाई एंड लव नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस, लेटना और प्यार करना शुरू कर देते हैं, ऐसा करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में, बताने में कोई परेशानी नहीं होती है,
ऑफ दिस नाइट इन द मेस ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑफ दिस नाइट यानी कि गोल्डन नाइट या अपनी फर्स्ट नाइट में इधर उधर की बात ना करते हुए अपने जज्बात को इजहार करते हुए एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। टू टच अनक्लेम्ड बाई फियर ऑफ इमिनेंट डे, यानी कि टू टच यानी कि टच करने में या प्यार करने में उन्हें अपने आने वाले दिनों में ऐसा करने में कोई डर नहीं होता है। एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, मतलब कि स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, जिसे सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही महसूस कर सकते हैं, उसे स्ट्रेंजर ही समझ सकते हैं। कोई दूसरा ट्रेडिशनली मैरिड या अरेंज मैरिड कपल नहीं समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ समझ में आ गया होगा। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट में आगे की लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके आगे की वीडियो देख लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे BA, BSc और फैक्ट से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।